का नाम है। बात जरा करते हैं अब जम्मू कश्मीर की इंतजामिया की भी, चूंकि जम्मू कश्मीर के अंदर एक मसला हमेशा से रहा है और वो अफसरान का की कमी या फिर डिपार्टमेंट्स में तालमेल ना होना एक बड़ी परेशानी थी, मगर अब अफसरान की मजीद तैनाती के लिए फैसला लिया गया है और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग यानी DOPT की तरफ से तैयारी की गई है कि 17 मजीद ऑल इंडिया सर्विसेज के जो अफसरान हैं उनको जम्मू कश्मीर के अंदर लाया जाएगा और जो खाली असामियां हैं या एडिशनल चार्जेस कहीं पर दिए गए, कहीं पर इजाफी बोझ अफसरान पर डाला जाएगा, उसको कम से कम करने की कोशिश होगी। इस वक्त कुल जो जम्मू कश्मीर में 137 पोस्टें टोटल जो सीनियर ऑफिशियल्स की हैं, इनमें 60 से नीचे इस वक्त जो आदादोशुमार सरकारी हैं वो बताते हैं कि सिर्फ 59 ऐसे अफसरान हैं जो खिदमात अंजाम दे रहे हैं और 15 को डेप्यूटेशन बेसिस पे लगाया गया है, लेकिन 60 से ज्यादा ऐसी असामियां हैं जहां पर आज सीनियर ऑफिसर्स होने चाहिए थे लेकिन नहीं है और अब तैयारी की गई है कि ऑल इंडिया सर्विसेज लेवल के इस रैंक के 17 मजीद अफसरान को जम्मू कश्मीर में तैनात किया जाएगा। जब अफसरों की कमी की बात हम आपको बता रहे हैं तो याद रखिएगा यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर जो स्ट्रेंथ है यानी जो कुल मिलाकर अफसरों की तादाद है वो 137 है, 137 पोस्ट IAS के रखे गए हैं जी, उनमें एक बाइफरकेशन है, 75 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी डायरेक्ट IAS कार्डर से वो आएंगे और 62 जो है 60 से ज्यादा जो है वो इंडक्ट किए जाएंगे जी जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से IAS के अंदर, ठीक है जी। ये इनर सिस्टम एक बहुत पहले से चल रहा था, इसी को आगे करने की जरूरत थी और इन 137 पोस्टों में से इस वक्त क्या कुछ सिचुएशन है, तकरीबन 60 के करीब 59 IAS ऑफिसर्स पोस्टेड है जम्मू कश्मीर के अंदर, 137 में से तकरीबन 60 के करीब IAS अफसर पोस्ट किए गए हैं जी जम्मू कश्मीर के अंदर, इनमें भी 7 IAS अफसर ऐसे हैं जो सेंट्रल डेप्यूटेशन पर हैं, 8 ऐसे हैं जिन्हें यूनियन टेरिटरी लद्दाख के लिए दे दिया गया है और टोटल 15 इस वक्त कुल मिलाकर है जी जो जम्मू कश्मीर के अंदर आपके पास काम कर रहे हैं। ऑन रिकॉर्ड जो बातें हैं वो ये है कि जम्मू कश्मीर के पास 60 IAS अफसर हैं जिनमें कुछ सेंट्रल डेप्यूटेशन पर है, कुछ लद्दाख की डेप्यूटेशन पर है और उन 60 में से वो एक शख्स भी है जिसके बारे में यह कहा जा रहा था कि उसने नौकरी छोड़ दी है, शाह फैसल। आज के दिन भी शाह फैसल ने नौकरी छोड़ी है, उन्होंने इस्तीफा दिया था लेकिन उनके इस्तीफे को आज के दिन भी कबूल नहीं किया गया है, इस तरीके की इत्तलात है। ऑन रिकॉर्ड जब आप खंगालेंगे तो आपको पता लगेगा उन फरिश्तों में जो अफसरों के नाम है उनमें आपको शाह फैसल का नाम भी दिखेगा जो गालिबन पिछले 3 साल से कुर्सी पर है ही नहीं लेकिन अभी भी काडर है क्योंकि उसका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है। उसके बाद अब जो लोग जरा बाहर हैं और कुछ लोग जो डेप्टेशन पे, फटाफट से आप जरा सुन लीजिएगा ताकि आपको अंदाजा लग सके कि सीनियर मोस्ट अफसर कौन कहां पर है। IAS अफसर जम्मू कश्मीर के अंदर जो है जो करंटली डेप्टेशन पर है उनमें प्रदीप कुमार त्रिपाठी साहब, सुधांशु पांडे जी है, प्रदीप कुमार नायक है, राजकुमार गोयल और अशोक कुमार परमार और डॉक्टर मनदीप के भंडारी, ये डेप्टेशन पर है दिल्ली के अंदर। और फिर जो हमारा यूनियन टेरिटरी का जब अर्थवाइल स्टेट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो लद्दाख के लिए भी अफसर देने थे, उनमें सबसे टॉप पोस्ट अफसर आपका उमंग नरोला साहब है, उन्हें लद्दाख के लिए दे दिया गया। फिर पवन कोतवाल साहब वो लद्दाख के अंदर है, सौरभ भगत साहब लद्दाख के अंदर है, अजीत कुमार साहू लद्दाख के अंदर है, स्वागत विश्वास लद्दाख के अंदर है, रविंदर कुमार लद्दाख के अंदर है और बाला साहब सुई लद्दाख के अंदर है, संतोष सुखदेवा ये भी लद्दाख के अंदर। तो कुल मिलाकर ये सिचुएशन है और जब ये सिचुएशन बनी तो उसके बाद अब मरकजी हुकूमत ने इस मामले की संजीदगी को समझा है और DOPT जो है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग ने अब 17 अफसरों को शॉर्टलिस्ट किया है और उनके कार्डर चेंज के हवाले से फाइल को तैयार किया जा रहा है और बहुत जल्द अब 17 अफसर आएंगे। 17 आते भी हैं तो बुनियादी सतह पर आपका मामला सेट नहीं होता क्योंकि अभी भी तफावत रहेगी, स्टाफ स्ट्रेंथ जो जितनी आपकी है और जो आपकी प्रेजेंट पोजीशन रहेगी उसमें भी काफ़ी ज़्यादा तफावत अभी देखने को मिलेगी और ये एक बड़ी वजह है मेरे ख्याल से जो एडिशनल चार्ज और 10 तरह की बातें हम देख रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर अफसर ही नहीं है जिसकी वजह से लहतोलहत से काम हो रहा है। तो ये जनाब थी सूरत हाल, DOPT 17 नए अफसरों की तैनाती कर रहा है, इस सिलसिले में ऑर्डर्स बहुत जल्द जारी होंगे और ये जो शॉर्टेज से ओवरकम करने की बात है इसमें अब उम्मीद लगाई जा रही है कि इस साल के आखिर तक ये मामला कहीं ना कहीं
हल हो सकता है। तो ये तो थी जनाब खबर जो हमने आपके सामने मुलाजमीन की रखी, उन अफसरों की रखी जो स्टेट को चला सकते हैं, और कितनी कमी हमारे पास है डिटेल आपके सामने रखी।